स्टूडेंट्स 10.3 10.2 तक मैंने आपको करवा दिया था सर्कल में, और 10.3 डिलीट हो गई है, 10.3 रिमूव हो गई है आपके सिलेबस से इस साल के लिए, और 10.4 हमें करनी है। उससे पहले दो थ्योरम आप देखिए जरा, पहली है 10.6, यह है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, अगर दो इक्वल कॉर्ड्स एक सर्कल में है, या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब हुआ जिनकी रेडियाई इक्वल हो। ठीक है, तो अगर एक ही सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं या दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के अंदर दो अलग अलग कॉर्ड्स हैं, तो भी अगर ये दो कॉर्ड्स की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल है, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों की इक्वल है, तो ये इनका जो एंगल बनेगा, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनकी डिस्टेंस इक्वल होगी, अगर ये कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनकी डिस्टेंस सेंटर से इक्वल होगी। और इसका कन्वर्स है 10.7 इसका कन्वर्स है कि कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, अगर ये वाली जो डिस्टेंस है ये इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी, और अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस इक्वल होगी। तो 10.6 कहती है कि कॉर्ड्स इक्वल होंगी तो डिस्टेंस इक्वल है, और 10.7 कहती है कि अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो कॉर्ड्स इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये दो जो 10.6 और 10.7 इन पर बेस्ड हमारी 10.4 है, वो आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक एग्जाम्पल है, जरा उसे देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that chords are equal. ठीक है, तो आप देखें जरा इस फिगर को देखें। If two intersecting chords, तो दो intersecting chords हैं AB और CD. They are intersecting on the point E. तो point E पर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। ठीक है, दे आर मेकिंग इक्वल एंगल विद द डायमीटर, तो डायमीटर के साथ जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एक हो जाएगा ए ई क्यू और दूसरा हो जाएगा डी ई क्यू। ठीक है, ए ई क्यू और डी ई क्यू। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे दोनों, ये दोनों इक्वल बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, PQ इज अ डायमीटर एंड AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। ठीक है, और क्या गिवन है, गिवन है कि एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू। ठीक है, ये एंगल दोनों इक्वल गिवन है। अब क्या करेंगे, आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स OL एंड OM ऑन EB एंड CD रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक हम दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक तो O से L। ठीक है, AB पर इसके सेंटर से सेंटर O है, O से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पर, और O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे CD पर। अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, LEO कह सकते हैं, MEO कह सकते हैं, OLE और OME। ठीक है, OLE और OME। ठीक है, इसके अंदर आपको ये पता है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, इसके अंदर दो एंगल्स ये इक्वल हैं, इसे AEQ कह रहे हैं, लेकिन इसको LEO भी कह सकते हैं, LEQ और ME, LEO और MEO भी कह सकते हैं। ठीक है,
ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये वाला एंगल भी हमें पता, ये 90 है, ये 90 है, ये वाला नहीं मालूम, एल ई ओ नहीं पता, तो एल ई ओ और एम एल ओ ई और एम ओ ई नहीं पता हमें, तो जरा अगर हम एल ओ ई पता करना चाहें, ये तीन ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तीनों को सम कर लो, ठीक है, तो एंगल लिख लो इसमें कि ट्राइंगल एंगल इन ट्राइंगल ओ एल ई, ओ एल ई, ठीक है, ट्राइंगल ओ एल ई में क्या करेंगे, इसमें हमें ये पता है एल ई ओ, तो एंगल एल ई ओ प्लस ई एल ओ, एंगल एल ई एल ओ, ठीक है, और प्लस जो हमें चाहिए एल ई ओ एल ओ ई एंगल एल ओ, इन तीनों का सम 180 होगा, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी होती है, तो एल ई ओ हमें पता है, ई एल ओ, ई एल ओ 90 डिग्री है, एंगल एल ई ओ प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एल ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप इसे सबको ट्रांसफर कर दो इधर, तो एंगल एल ओ ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल एल ई एल ई ओ एल ई, तो एंगल एल ओ ई हो जाएगा, इसमें से कह रहा हूँ 90 डिग्री माइनस एंगल एल ई ओ, ठीक है, ये एल ओ ई आ गया हमारा, ये हमारा एल ओ ई आ गया, ऐसे ही आप अगर जब निकालेंगे एम ओ ई तो सिमिलरली सिमिलरली एंगल एम ओ ई निकालोगे तो वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल एम ई ओ एम ओ ई हो जाएगा एम ई ओ, ठीक है, और आपको पता है कि एल ई ओ और एम ई ओ इक्वल है, एल ई ओ और एम ई ओ इक्वल है, ठीक है, एल ई ओ और एम ई ओ इक्वल है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, ये हमने कर लिया, अब हम करेंगे इन ट्राइंगल एल ओ ई एंड ट्राइंगल एम ओ ई, इन दो ट्राइंगल के अंदर आपको दोनों चीज़ें पता हैं कि एंगल एल ई ओ इज इक्वल टू ट्राइंगल एम यू, ठीक है, तो ये आप को गिवन है, और दूसरा ट्राइंगल एल ओ ई और ट्राइंगल सॉरी एंगल एल ओ ई और एल एंगल एम ओ ई, ये भी ये आपने प्रूव कर दिया ऊपर, प्रूव्ड है ना, और एंगल ई ओ सॉरी साइड ई ओ या ओ ई इक्वल है, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई विच इज़ अ कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, अगर ये कॉमन साइड है तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल, तो लिखेंगे ट्राइंगल एल ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल एम ओ ई बाई एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो ओ एल विल बी इक्वल टू ओ एम, ओ एल और ओ एम इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस हैं फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, तो दोनों कॉर्ड्स इक्वल डिस्टेंस सेंटर से, सो ए बी इज विल बी इक्वल टू ए बी विल बी इक्वल टू सी डी, यहाँ लिखेंगे कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, ठीक है, जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंस है सेंटर से वो दोनों वो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव हो गया, तो
तो इस तरह से ये एग्जाम्पल टू हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल टू हो गया। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको आपके पास सेंड कर देता हूँ, इसको आप आराम से पहले देखिएगा, फिर मैं 10.4 दिन में किसी टाइम करके और फिर आपके पास सेंड करूँगा, ठीक है, ओके। हाँ, एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं हम। टू सर्कल्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स and the distance between their center is 4 cm. The length of the common chord, find the length of the common chord. तो जो दो circles हैं, इसका center है O और इसका O dash, ठीक है, ये दो circles दो point पर intersect करते हैं at the point P and Q, ठीक है, P और Q पर ही intersect करते हैं, तो जो इनकी common chord है इसकी लेंथ, जो पी क्यू ए कॉमन कॉर्ड है जो दोनों सर्कल में है, तो इसकी हमें लेंथ पता करनी है, ठीक है, और दोनों सर्कल की, जैसे ये जो सर्कल है वो इसकी जो हमने यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये रेडियस है ओ पी, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये गिवन है, इसी तरह से ओ डैश पी, ये 3 सेंटीमीटर गिवन है, और ओ ओ डैश जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है, ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये गिवन है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमें पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, दो सर्कल्स हैं, ठीक है, और उसमें दोनों की वो दी हुई है। तो आप इस ट्राइंगल को देखें ज़रा, हमने एक ट्राइंगल बना दिया इससे, तो ओ पी और ओ डैश, तो ट्राइंगल बनाओ ओ ओ डैश पी इन ट्राइंगल। पहले गिवन में आप चाहें तो ये लिखें कि टू सर्कल्स हैं और उनकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, गिवन टू सर्कल्स, टू सर्कल्स विद रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ओ ओ डैश इज 4 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, ओ ओ डैश पी, ठीक है। अगर आप देखें तो इसमें है ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर, यानी ये कितनी दी है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा है यहाँ पर, ये 25 हो गई, ये 16 और ये 9, तो दोनों तो 25 हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल ओ ओ डैश पी इज राइट एंगल्ड एट ओ डैश, ओ डैश पर ये राइट एंगल्ड है, ठीक है, ओ डैश पर ये राइट एंगल्ड है, तभी ये इसको ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश का स्क्वायर और ओ डैश पी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें अगर ये राइट एंगल्ड है तो अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओ डैश पी इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस क्या है ओ ओ डैश है, ओ ओ डैश है, ठीक है, और हाइट क्या है ओ पी ओ डैश पी है, बेस क्या है ओ ओ डैश है, ये यहाँ पर राइट एंगल्ड है तो ओ डैश पी इज हाइट, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ओ ओ डैश कितना है 4 और ओ डैश पी है 3, ठीक है, इससे अगर आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया। और एक और तरह से एरिया निकालें इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ओ डैश पी, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू पी एल, पी एल ये पी एल भी तो परपेंडिकुलर है, पी एल इंटू ओ ओ डैश यानी बेस इंटू हाइट, ये भी हो गया परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये भी हो गया, तो 1/2 इंटू पी एल
इंटू ओ ओ डैश कितना दिया है 4, फिर अगेन ये 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2PL। अगर ये फर्स्ट है और ये सेकेंड तो लिखेंगे बाई 1 and 2, तो ये हो जाएगा 2PL। 2PL इज इक्वल टू 6 centimeter, PL इज इक्वल टू 6/2 यानी 3 centimeter आ जाएगी PL, PL आ जाएगी 3 centimeter। अब एक थ्योरम होती है वो देखेंगे, वो क्या है, व्हेन यहाँ लिखेंगे वी नो दैट दैट व्हेन टू सर्कल व्हेन टू सर्कल टू सर्कल्स इंटरसेक्ट 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 एट पॉइंट एट टू पॉइंट्स एट टू पॉइंट्स देन देयर सेंटर देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन गॉड ऑफ द कॉमन गॉड दैट इज ओ ओ डैश। ठीक है, तो ओ ओ डैश या ऐसे कहेंगे कि ऑफ द कॉमन गॉड। सो जो ओ ओ डैश है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, किसका, पी क्यू का ओ ओ डैश इस थ्योरम के हिसाब से, व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन गॉड। तो जो कॉमन गॉड है पी क्यू, इसका ओ ओ डैश जो सेंटर्स हैं, ये जो लाइन है, ये जो इनके बीच की लाइन है, ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो अगर ये इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो हम लिखेंगे पी क्यू विल बी इक्वल टू 2PL और 2 इंटू PL क्या हो जाएगा 3 यानी 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर रहेगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन।